आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव। शुरुआत मोदी सरकार में न्यायमूर्तियों की शपथ के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। विस्तार और फेरबदल होने के बाद ये पहली बैठक है जो शाम 5 बजे होगी। सभी मंत्रियों को बांटे गए विभाग। मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा मिला। सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रभु ने शिवसेना छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं रविशंकर प्रसाद से कानून मंत्रालय लेकर सदानंद गौड़ा को दे दिया गया। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि हर्षवर्धन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाए गए हैं। चौधरी बीरेन्द्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि रविशंकर प्रसाद के पास टेलीकॉम मिनिस्ट्री बरकरार रहेगी। जयंत सिन्हा को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया। अरुण जेटली को वित्त के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया। बंडारू दत्तात्रेय को श्रम और रोजगार मंत्रालय सौंपा गया। बिहार के नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज का राज्य मंत्री बनाया गया। बिहार से सांसद नवादा से सांसद गिरिराज सिंह को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया गया। विकास राज्य मंत्री उनको पद दिया गया। यूपी में बीजेपी का दलित चेहरा माने जाने वाले डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को मानव संसाधन विकास मंत्री तो साध्वी निरंजन को खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में मोदी सरकार के नए मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। 4 कैबिनेट मंत्रियों, 3 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों के अलावा कुल 14 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मौजूद थी। मोदी के साथ पहली कतार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह भी बैठे हुए थे। राष्ट्रपति भवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल भी मौजूद था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत तमाम कैबिनेट राज्य मंत्री इस दौरान मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शरीक हुए। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास 7 RCR में सभी को चाय पार्टी पर बुलाया। यहां पीएम ने इन्हें कई तरह के टिप्स दिए। कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद सुरेश प्रभु अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। सुरेश प्रभु वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे थे। मोदी मंत्रिमंडल के पहले विस्तार पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में ढोल बाजे के साथ जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने नाच गाने और आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। जेपी नड्डा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली में उनके आवास पर जमकर नाच गाना हुआ। नड्डा खुद हिमाचली धुन पर थिरकते दिखे। कैबिनेट मंत्री बनाए गए जेपी नड्डा के परिजनों ने भी खूब जश्न मनाया। उनकी पत्नी ने कहा कि संगठन की तरह सरकार में भी पूरी मेहनत से नड्डा काम करेंगे। नड्डा जी हमेशा संगठन के कार्य में समर्पित रहे हैं और अभी भी जो जिम्मेवारी मिली है वो उसी भाव के साथ। राजीव प्रताप रूडी को मंत्री बनाए जाने पर उनकी पत्नी और बेटियों ने खुशी जाहिर की। रूडी की पत्नी ने कहा कि अब उन्हें पीएम के हर टास्क को पूरा करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत मेहनत करना होगा रूडी जी को आगे। मोदी जी जो भी देंगे उनको सफल करना होगा। राज्य मंत्री बनाए गए रामकृपाल यादव के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रामकृपाल के बेटे ने कहा कि मोदी सरकार में पिता का मंत्री होना गर्व की बात है। से वही बात कहूंगा, मंत्री हर लोग होते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालय में मंत्री होना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चौधरी वीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाए जाने पर दिल्ली में उनके घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया। वीरेंद्र सिंह को फूल माला से लाद कर समर्थकों ने खूब मिठाइयां बांटी।
दिल्ली में हंसराज अहीर के घर के बाहर उनके समर्थकों ने उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने पर जश्न मनाया। हंसराज के समर्थक भूल की थाप पर जमकर नाचे। मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाए जाने पर इलाहाबाद में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद रामशंकर कठेरिया को मंत्री पद की शपथ लेते टीवी पर देखा और फिर नाच गाकर जश्न मनाया। आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी। पटना में गिरिराज समर्थकों ने उन्हें राज्य मंत्री बनाए जाने पर जश्न मनाया। गिरिराज के घर के बाहर समर्थकों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को रंग लगाया और मिठाई बांटी। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। यूपी से बीजेपी राज्यसभा के लिए सिर्फ एक ही सांसद भेज सकती है। बीजेपी और शिवसेना के बीच फंसे पेच के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल सी विद्यासागर राव राजभवन में जीव पांडुगावित को विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की शपथ दिलाएंगे। 12 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद फडणवीस विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल 122 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए। एनसीपी ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर बीजेपी एनसीपी का समर्थन लेगी तो वो विपक्ष में बैठेंगे। जितनी सारी हिंदुत्ववादी ताकत है वो इकट्ठा रहनी चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्रवादी के साथ जाना चाहती है तो हमारा रास्ता अलग होगा। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए उद्धव ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना का विधायक दल का नेता भी चुन लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा कि जब तक महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम केंद्र में क्यों जाएं। हमने हमारा गठबंधन नेता जो है वो डिक्लेयर किया है, 2 दिन अभी बाकी है। कल तो सारे विधायक है, नए जो चुने गए विधायक है वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। परसों के दिन शायद अध्यक्ष जी का चुनाव होगा और उसके बाद पता चलेगा। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ने यह भी माना कि उन्होंने ही अनिल देसाई को दिल्ली से वापस बुलाया। सुरेश प्रभु के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनका बीजेपी में जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले शिवसेना भवन में विधायकों की बैठक हुई। मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा के लिए उद्धव ने आज शाखा प्रमुखों, विधायकों, कॉरपोरेटर्स मुंबई के शारदा भवन में बैठक बुलाई। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के समर्थन में आया दारुल उलूम भी आ गया है। दारुल उलूम कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम ने सरकार को सहयोग देने का भरोसा जताया। कल पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में एकनाथ रानाडे के जन्म शताब्दी समारोह में शरीक हुए। आरएसएस से जुड़े रहे रानाडे कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद केंद्र के संस्थापकों में से एक थे। पीएम मोदी ने एकनाथ रानाडे को प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उनके साथ काम करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। मोदी ने कहा कि जन्म शताब्दी पर रानाडे को श्रद्धांजलि देना गर्व की बात है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सख्त भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की बात कही है। दिल्ली में इंडिया ग्लोबल फोरम में जेटली ने कहा कि अधिग्रहण कानून में बदलाव किया जाएगा भले ही विपक्ष साथ न दे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई कि लंबे समय से अटका इंश्योरेंस बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा। एआईएमआईएम ने पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे की बेटी और कांग्रेस विधायक प्रणीति शिंदे को नोटिस भेजकर 8 दिनों में माफी मांगने को कहा है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की माफी नहीं मांगने पर उन्होंने कहा कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रणीति शिंदे ने कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम को विभाजनकारी पार्टी बताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। अंदरूनी सर्वे के बाद दिल्ली में अगले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपने मौजूदा 5 विधायकों का पत्ता काटने वाली है। रोहिणी से राजेश गर्ग, फतेहनगर से वीणा आनंद, त्रिलोकपुरी से राजू धींगान, सीमापुरी से धर्मेंद्र कोहली और तिमारपुर से हरीश खन्ना का टिकट कट सकता है। गुजरात में कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाड़िया को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने किसी विदेशी नंबर से फोन आने की बात कही। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के रावल गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। हेमा मालिनी ने बताया कि ये राधा का गांव है और मुझे पहले पता नहीं था कि इसी गांव को मैं गोद लेने वाली हूं। बिहार के नालंदा में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया।
गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले धन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी का काला धन वापस लाने के वादे का क्या हुआ। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही मुदगल कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली की एक विशेष अदालत 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले से जुड़े मामले में आज अंतिम बहस शुरू कर सकती है। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की करीब 39 साल पहले हुई हत्या के मामले में आज फैसला आ सकता है। ललित नारायण मिश्र की 2 जनवरी 1975 को बम विस्फोट में मौत हुई थी। दिल्ली में बवाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में घायल शख्स को दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 70 साल के बुजुर्ग कारोबारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वीर सेन जैन नाम के ये कारोबारी निर्माण विहार में रहते थे। कारोबारी वीर सेन जैन की बेटी के मुताबिक उसने कातिलों को देखा है। जब वो घर पहुंची तो उसके पिता की लाश सोफे पर पड़ी थी और 2 लोग वहीं खड़े थे जो उसे धक्का देकर फरार हो गए। दिल्ली के तिलक विहार इलाके में चोरों ने एक केमिस्ट शॉप में लाखों रुपए की चोरी की। दुकान में रखे कैश और 4 मोबाइल फोन पर भी चोरों ने हाथ साफ कर लिया। झारखंड के रामगढ़ में 6 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 2 करोड़ के जेवरात लूट लिए। देखते देखते बदमाशों ने तकरीबन पूरी दुकान खाली कर दी। लखनऊ के VIP रोड इलाके में हुई बोलेरो गाड़ी की चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। लखनऊ में पुलिस ने ठाकुरगंज इलाके में एक डॉक्टर के घर हुई डकैती की गुत्थी सुलझाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर के कलेक्टरगंज इलाके में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर एक शख्स को लूट लिया। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह के 4 शातिरों को धर दबोचा जो पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियों की चोरी करते थे। हरियाणा के यमुनानगर में 3 लड़के यमुना नदी में बह गए। इनकी उम्र 12 से 16 साल के बीच थी। डांस क्लास खत्म होने के बाद तीनों यमुना नदी के पास गए थे। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने एक ऑटो चालक को जमकर पीटा। चेकिंग के दौरान ऑटो चालक पुलिस को गाड़ी का कागज दिखाने में आनाकानी कर रहा था। राजस्थान के राजसमंद में पंचायत के फरमान पर एक विवाहिता को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया। लोगों ने पहले महिला को पीटा और उसके बाल काट दिए, फिर चेहरा काला कर दिया। पीड़ित महिला पर देवर की हत्या का आरोप है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी के मुरादाबाद में 4 साल की एक मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। कानपुर में एक लड़की ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में एक बेकाबू BMW कार दूसरी कार को टक्कर मारते हुए डिवाइडर तोड़कर एक घर की दीवार से जा भिड़ी। हादसे में कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बढ़ते आगे यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार 3 लोगों को रौंद डाला। यूपी के फिरोजाबाद में 7 साल के बच्चे की सड़क हादसे मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के शामली में मानवरहित फाटक पर एक ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली को घसीटती हुई चली गई। बिहार के नालंदा में बस और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग जख्मी हो गए। डीडी हाउसिंग स्कीम का ड्रॉ का आज ट्रायल किया जाएगा। अगर ट्रायल आज कामयाब होता है तो कल ड्रॉ निकल सकता है। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक महिला ने चलती DTC बस में बच्चे को जन्म दिया। महाराष्ट्र के विरार में एक गांव से 9 फीट लंबा अजगर मिला है। झारखंड की रांची पुलिस ने चूहों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। सुखदेव नगर पुलिस के इंस्पेक्टर ने आवेदन देकर कहा है कि चूहों ने मालखाने के कई सामान और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया है। सूरत हवाई अड्डे पर हुए हादसे के बाद एयरपोर्ट प्रशासन इन दिनों मिशन बफेलो चला रहा है। दरअसल सूरत हवाई अड्डे के रनवे पर एक विमान से भैंस टकरा गई थी। हादसे में विमान का इंजन टूट गया था। इस वक्त विमान में करीब 150 मुसाफिर सवार थे जो बाल बाल बचे। गुजरात के राजकोट के कुणाल पटेल को गूगल की तरफ से 1,40,00,000 के सालाना पैकेज का ऑफर मिला है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के गोवा कैंपस में पढ़ने वाले कुणाल अगले साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में गूगल ज्वाइन करेंगे।